तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को वार्म अप के बारे में बताने वाले हैं। सो गाइस, वार्म अप, हेलो गाइस, सबसे पहले तो सो गाइस, वार्म अप क्या होता है? वार्म अप मींस टू वार्म योर बॉडी, वेरी सिंपल एकदम। आपकी बॉडी को वार्म करना, क्यों वार्म करना? ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, कोई स्पोर्ट्स इंजरी ना हो, कोई मसल टेयर ना हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रबर है, रबर जो लेडीज लोग जो जूड़े में पहनती है, उसे आप ठंडा करो और उसको खींचो, तो क्या होएगा? वो टूट जाएगा। और अगर वही चीज़ को अगर आप गर्म करो और खींचो और, तो क्या होएगा? वो ज़्यादा खींचेगा। तो हमारी बॉडी भी वही है। अगर आपकी बॉडी ठंडी है, मतलब आप सुबह उठ रहे हो, डायरेक्ट पुशअप्स के लिए जा रहे हो, रेजिस्टेंस के लिए, तो क्या होएगा? आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो है क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक, मतलब फ्लेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है, उसमें बहुत तकलीफ होगी आपके मसल को, आपके मसल टेयर भी हो सकते हैं। तो बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के बाद में अगर आप पुशअप को परफॉर्म करेंगे, तो आप काफ़ी बेटर कर पाओगे, आपको कोई इंजरी नहीं होगी। और पुशअप्स के समय ज़्यादा करके इंजरी होती है आपके शोल्डर के रोटेटर कफ में, आपके कोई भी शोल्डर के टिश्यूज़ में, कोई भी लिगामेंट में। तो सर, हर एक्सरसाइज के पहले वार्म अप ज़रूरी है? हाँ, ऑफकोर्स, हर एक एक्सरसाइज के पहले आपको वार्म अप करना पड़ेगा। मतलब स्टार्ट में आपको वार्म अप करना पड़ेगा। और वार्म अप में सिर्फ रोटेशन वगैरह वो नहीं होता, आपको वॉक करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 मिनट, या आपको थोड़ा जंपिंग करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी वार्म हो। फिर उसके बाद में आप फ्री हैंड ले लीजिए, शोल्डर रोटेशन ले लीजिए, टो टच ले लीजिए, नेक रोटेशन करके फिर आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए, आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको कुछ वार्म अप करके बताते हैं कि आपको कौन से वार्म अप करने चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, वार्म अप के आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे, वो है अपना नॉर्मल जंपिंग्स। लेट्स स्टार्ट। तो ये अपनी बॉडी को जो है, आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा के आपको जो है बॉडी को वार्म करेगा। इसमें नीज काफ़ी सॉफ्ट रखने हैं आपको, घुटनों के मतलब घुटने लॉक नहीं करने आपको, नहीं तो नी इंजरी हो जाएगी। इसकी सेकंड एक्सरसाइज जो है आपकी वार्म अप की जो है, वो है जंपिंग जैक। इसमें आपका शोल्डर भी वार्म अप हो जाएगा, आपका चेस्ट भी, ओवरऑल आपको उसके मूवमेंट अच्छे आपके रोटेटर कफ के। लेट स्पॉट जॉग, नी ऊपर आना चाहिए, लेकिन इसे स्लो परफॉर्म करते हुए गाइस, स्लो परफॉर्म करते हुए इसकी स्पीड बढ़े, डायरेक्ट स्पीड मत बढ़ाइएगा। बहुत बढ़िया। सो गाइस, अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हो तो स्टेयर्स तो रहेंगे, तो आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं ऊपर से नीचे 8-10 बार, उसके बाद में आप वर्कआउट परफॉर्म करनी है। या स्टेयर में एक सिंगल स्टेप को आप स्टेप अप ले लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 10 राइट से या 15 राइट से, 15 लेफ्ट से। आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग में आपको वॉकिंग करनी है तेज, वो है तेज करते करते फिर आप जॉगिंग कर लीजिए, 2 मिनट जॉग कर लीजिए, बॉडी प्रॉपरली जो है वो वार्म हो जाएगी। तो ये कुछ एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करने हैं एक्सरसाइज से पहले। और इसमें जो है बाद में फ्री हैंड जो है, आपका शोल्डर रोटेशन है, सर्कल बनाना है आगे पीछे, मतलब शोल्डर को स्ट्रेच करिए, उसे अपना फॉरवर्ड बेंड करिए, टो को टच करिए, आपके लोअर बैक स्ट्रेच करने के लिए, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, आपका काफ को स्ट्रेच करने के लिए, फिर अपना नेक रोटेशन करिए अप डाउन पूरा इजी वे में, आपके जो है स्पाइन को पूरा फ्री करने के लिए, उसके बाद में आप एक्सरसाइज पर जाइए। वार्म अप तो कर रहे हो, फ्री हैंड कर रहे हो, स्ट्रेचिंग भी आपको करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करिए तो जिसकी वजह से आपका जो है मसल्स जो है वो काफ़ी खुलेगा आपके, उसमें ना मसल्स में रूम बनेगी, ताकि उसमें अगर आप वेट ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपको वो जो साइज़ चाहिए आपको, वो साइज़ के लिए भी एक बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी उसमें। और वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी हमने बनाई हुई है, वो आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए उसके लिए भी। सो गाइस, आपको समझ तो गया ही होगा कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है और स्ट्रेचिंग भी क्यों ज़रूरी है फ्री हैंड के साथ में। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आप वार्म अप करना चालू करिए इसी वे में, फिर आप एक्सरसाइज पर जाइए आज से ही। आपको इंजरी नहीं होगी और आप काफ़ी अपने आप को सेफ महसूस करोगे वर्कआउट के लिए। गाइस, आप लाइक करिए, शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मोंटू मोरिया फिटनेस को फॉलो करिए, हरमीत बमरा को फॉलो करिए, फिटनेस फाइटर पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करिए एंड फॉलो करिए दोनों। सो तब तक के लिए गाइस, स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।